त्रिपुरा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद एक के बाद एक हंगामे का मामला सामने आ रहा है। दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में बीजेपी समर्थकों ने कम्युनिस्ट विचारक और रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के साथ साथ राज्यपाल भी मूर्ति तोड़ने वालों के बचाव में आ गए हैं। राज्यपाल तथागत रॉय ने बीजेपी का बचाव करते हुए कहा कि अगर एक सरकार ने गलती की है तो दूसरी सरकार सुधार सकती है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद राज्य में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद अब वामपंथी स्मारकों को तोड़ने की खबर आ रही है। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के बेलोनिया सब डिवीजन में बुलडोजर की मदद से रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को ढहा दिया गया। साम्यवादी विचारधारा के नायक लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद से वामपंथी दल और उनके कैडर नाराज हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। लेफ्ट की 25 साल की सत्ता को उजाड़ते हुए बीजेपी को 43 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है। राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही मामला चौंकाने वाला है। त्रिपुरा की कुल 60 सीटों में से 59 पर मतदान हुए, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली। अपने गढ़ में सीपीएम को 16 सीटें नसीब हुई हैं।